presenting sponsor. The right place for healthcare. Sparsh Hospital. नमस्कार प्रेस्क्रिप्शन रो आउ एक अध्याय को आपण समस्तंकु स्वागत करूछि मुनिवेदिता दर्शक बंधु आम स्वास्थ्य आम पई गुरुत्वपूर्ण हेले आमे आम स्वास्थ्य पई केते जत्नवान जेते बेले ए प्रश्न आसे उत्तर निश्चय आसीबो ना आदो नहे हेले आमे आम स्वास्थ्य पई जत्नवान हेबा निहाती जरूरी आउ खास सेथि पई आपणकु जे कोनोसी रोग संबंधे सचेतन कराइबा पई हमर हे स्वास्थ्य भितिक कार्यक्रम प्रेस्क्रिप्शन दर्शक बंधु राज्य में दिनक दिन खरा बढ़िवे लगी तापमात्रा प्रखर सूर्यकिरण प्रभाव जो अंशुघात होबार आशंका जथेष रोचे तेरे केमी अंशुघात रक्षा पाए खरा को बाहर पूर्व कौन सब सवधानता अवलंबन करेंगे अंशुघात आसिले तत्णात कौन करेंगे ए सबुक नहीं आलोचना करने आलोचनापी सबुथर भज आम सह स्टूडियो उपस्थित अच्छा जड़े अभिज्ञ डाक्तर आम सह अच्छा कलिंग हस्पिटाल सिनियर कनसल्टांट मेडिसीन स्पेशलीस्ट तथा वरिष्ठ भेषज विशेषज्ञ डाक्टर शर्मिष्ठा षडंगी मैडम मैडम स्वागत करेस्क्रिप्शन को तो मैडम जमी कहती सनस्ट्रोक अंशुघात आपड़ जब देखिए आगर एत खरा हो ना कि धीरे धीरे खरा बढ़ुचे आ ग्रीष्म आरंभ स्थित मैंने आगक आहरी भयानक हो तेणु अंशुघात चान्सेस अधिका बढ़ुचे तो मैडम फास्ट प्रश्न आपन को रे अंशुघात सनस्ट्रोक कहले मेडिकल टर्म में कौन बुझा अंशुघात सनस्ट्रोक जदि आम मेडिकल लैंग्वेज रे कहिबा ताहले ताकु हीट स्ट्रोक कहा जाए जेतेबेले सेटा माइल्ड वैरायटी रा थाए ताकु हीट एक्जॉशन कहा जाए आउ जेतेबेले सेटा सीवियर वैरायटी रा हुए ताकु आम हीट स्ट्रोक को ये हैला जदि आम मेडिकल टर्म रे कहुचु ताहले सनस्ट्रोक न कही ताकु आम हीट स्ट्रोक कहिबु बा अंशुघात जोटा आम ओडिया रे कहुचु अधिक तापमान जोगु जो रोग आमर असुविधा रे होउची ताकु ही अंशुघात बा हीट स्ट्रोक कहा जिवो मेडिकल टर्मिनोलॉजी रे तो मैडम जमीक हिट स्ट्रोक कथा आप कहते तो माने कहा जाए जे खरा को गले ए खरा को जाना सनस्ट्रोक हो कि अंशुघात कहा जाए कौन वास्तविक खरा को गले केवल सनस्ट्रोक चांसेस रोचे ना नहीं जो जगार भी आप थे चान्सेस रोचे खरा अधिक हेल्ले देखो सबुठ कमन जो कारण आम कहूँ से खरा को जीवा किंतु ये नुहजे अल्प टिके तापमान थिबो बाहर आउे सनस्ट्रोक हीट स्ट्रोक हो बहुत बेसी तापमान जमी आजिकल मझे हीट वेव चली टाइप तापमान बहुत बेसी समय पर्यंत खरारे रहिबा से टाइम रे पानी इत्यादि न पीबा ए सबू जो खरारे गले सनस्ट्रोक हबो बा हीट स्ट्रोक हबो किंतु ता छड़ा एमती जगह आम धर काम करमला फैक्ट्री भितर जो तापमान एमती ही अधिक रही निया पाखरे बहुत समय धरी कम करुचु तेबे भी हीट स्ट्रोक बा सनस्ट्रोक हो पार तेणु यह भूल जे आम खाली खरारे गले हम घर भितर रे अधिक परिश्रम करले भी बेले बेले सनस्ट्रोक भाया हो पार तो रिजन किसी भी हो पाए केवल खरारे गले सनस्ट्रोक हम ये चिंताधारा भूल तो मैडम आउ गोटे प्रश्न रही सनस्ट्रोक अंशुघात आसे कहीं रिजन कौन है पचरे सनस्ट्रोक बा अंशुघात आसे मेनली जितेबले आम देह बहुत हाई टेम्परेचर बा अधिक तापमान को एक्सपोज हो जाए जोटा तार कम सबुठ कमन कारण है बाहर खरारे जीवा से टाइम रे कौन हुए साधारणतः आम देहर जितेबले गरम हम आम झाड़ बाहर से झाड़ देह को सुखकर आम देहर तापमान को टे कमे दिए जितेबले आम देहर झाड़ अधिक बाहरी पारे ना ताने आम देहर अलरेडी पानी मात्रा कम अच्छी आमर डिहाइड्रेशन अच्छी बा अत्यधिक बयसर लोक मैंने छोट पाने मेकानिजमटा भल भाव कम करे ना जितेबले से आम देहर तापमान कमे ना आहर तापमान बढ़ी जावा जो आम सनस्ट्रोक हीट स्ट्रोक हो जाए ओके तो मैडम आपड़ जमी कहते जे रीजन किसी भी हो पारे एवं जदि सनस्ट्रोक कथा आसुची ताले जन को सनस्ट्रोक हटात आसुची बा अंशुघात आटाक जन को आसुची तत्क्षणात से समय रे कौन करबा उचित प्रथम हैला आमको जानिबा को भी पड़िबो जे तांको सनस्ट्रोक बा हीट स्ट्रोक आसुची तार लक्षण गुडा को चिन्हिबा को पड़िबो आउ जदि आमे लक्षण चिन्हिलु ताहाले प्रथम सबुटो आगो हैला तांको केपरि आमे
ବହୁତ ଯେଉଁ ହାଇ ଟେମ୍ପରେଚର ସ୍ଥାନରେ ସେ ଅଛନ୍ତି ସେଇଠୁ କେମିତି ଆମେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଜାଗାକୁ ତାଙ୍କୁ ନେଇପାରିବା। ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗଛର ଛାଇ ପାଖକୁ ନେଇପାରିବା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏମିତି ଜାଗାକୁ ନେଇପାରିବା ଯେଉଁଠି ଟିକେ ପବନ ହେଉଥିବ, ତେଣୁ ଜୋର ପବନ ଚାଲୁଥିବା ବା ଛାଇ ଜାଗାକୁ ନେଇଯିବା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ଲୁଗାପଟା, ଯେତିକି ଅତ୍ୟଧିକ ଲୁଗାପଟା ଯଦି ପିନ୍ଧିଥିବେ ତାକୁ ଆମେ ଖୋଲାଖୋଲି କରି ତାକୁ ଟିକେ ହାଲକା ଲୁଗା ଆଡ଼କୁ ନେଇ ଆଣିବା। ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦେହ ଉପରେ ଯଦି ପାରିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଓଦା ଟାୱେଲ ବା ଓଦା ଗାମୁଛା ନେଇ ତାଙ୍କ ଦେହ ଉପରେ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଣିପଟି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଏମିତିକି କୁହାଯାଏ କି ଟିକେ ଯଦି ଆପଣ ତାଙ୍କ ଦେହ ଉପରେ ପାଣି ସ୍ପ୍ରେ କରିପାରିବେ, ମାନେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପାଣି ତାଙ୍କ ଦେହ ଉପରେ ଛିଞ୍ଚିକରି ତାଙ୍କୁ ପବନ କରିପାରିବେ, ତେବେ ବି ଆପଣ ଇମିଡିଏଟ୍ ଯେଉଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଡ୍ ଯେଉଁ କୁହାଯାଏ ଅଂଶୁଘାତର ବା ହିଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ର ସେଇ ଜିନିଷ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କରିପାରିବେ। ଓକେ, ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ପାଣି ଛିଞ୍ଚି ପାରିବା ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ କରିପାରିବା, ତ ସିମ୍ପଟମ୍ସ କ'ଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯେ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ସେମିତି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିପାରିବା କି ଜଣଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସନ୍ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ବା ହିଷ୍ଟ୍ରୋକ୍? ବିଲକୁଲ, ବହୁତ ଆରାମରେ ଆମେ ଲକ୍ଷଣ ଜାଣିପାରିବା, ଦେଖିପାରିବା ଆଉ ସାହାଯ୍ୟ ବି କରିପାରିବା। ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଅର୍ଲି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଥିବ, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ତାକୁ ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ହିଟ୍ ଏକ୍ଜର୍ସନ୍ କହୁ, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମେନଲି ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ଲାଗିବ, ଟିକେ ଥକା ଭଳିଆ ଲାଗିବ, ହାଲକାରେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ହେଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବ, କାହାକୁ ଲାଗିବ ଯେ ଜ୍ୱର ଆସୁଛି ଭଳିଆ, ପ୍ରଥମ ଟିକେ ଝାଳ ବହିବ, ତାପରେ ଝାଳ ବହିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ଯଦି ଜଣେ ଅଲରେଡ଼ି ଖରାରେ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଏସବୁ ସିମ୍ପଟମ୍ ଆସୁଛି, ଆମକୁ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଭାବିବା କଥା ଯେ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବା ହିଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଟିକେ ବଢ଼ିଯିବ ସେତେବେଳେ ସେ ହୁଏତ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୋଇଯିବେ ବା ହୁଏତ ବାଉଳେଇ ହେବେ, ତାଙ୍କର ହୋଶ ଠିକ୍ରେ ରହିବ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ହାର୍ଟ ବିଟିଂ ବହୁତ ଜୋରରେ ବଢ଼ିଯିବ, ତାଙ୍କ ନିଶ୍ୱାସ ସହିତ ବଢ଼ିଯାଇପାରିବ, ଆଉ ବେଳେବେଳେ ଆହୁରି ବେଶୀ ସିରିୟସ୍ ଜିନିଷ ଯଦି ହେଲା ତାହେଲେ ସେ ଟୋଟାଲି ସେନ୍ସ ହରେଇବେ। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଲା କମନ୍ ଲକ୍ଷଣ ଅଂଶୁଘାତର। ଓକେ, ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯେ ବହୁ ଜଣଙ୍କର ଏ ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ଯେ ହଠାତ୍ କିନା ଆମେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଘରକୁ ଆସିଲା ମାନେ ଯଦି ଜୋରେ ଖରା ହେଉଛି ଆମକୁ ଶୋଷ ଲାଗୁଛି ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଫ୍ରିଜ୍ରୁ ମାନେ ପୁରା କୋଲ୍ଡ ୱାଟର ଆମେ ଆଣିକି ପିଇ ଦେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ପିଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ତ ସେଇ ସମୟରେ ପିଇବା ଉଚିତ କି ଯଦି ଆମେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଖରାରେ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାହାରୁ ଖରାରୁ ଯାଇକରି ଫେରୁଛୁ ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ ନିଜକୁ ହାଇଡ୍ରେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ନର୍ମାଲ୍ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ପାଣି ପିଇବା ସବୁବେଳେ ଭଲ। ଥଣ୍ଡା ପାଣି ବା କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ ଏସବୁ ନ ନେଇ ନର୍ମାଲ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ପାଣି ପିଇ ଆଗ ନିଜର ହାଇଡ୍ରେସନ୍ ବଢ଼େଇବା, ସେଇଟା ନିହାତି କରିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଅଂଶୁଘାତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅଂଶୁଘାତ ପୀଡ଼ିତ ରୋଗୀର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁ ସେତେବେଳେ ଆମର ନିୟମଟା ଟିକେ ଅଲଗା ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଖରାଦିନେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛୁ ଖରା ଗରମରୁ ଫେରିଲା ପରେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପିଇବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆମ ପାଇଁ କରିପାରେ, ସେଥିପାଇଁ କି ସେଇଟା ଏକଦମ ଆଭଏଡ଼ କରିବା କଥା। ଓକେ, ତ ଥଣ୍ଡା ପାଣିକୁ ଆଭଏଡ଼ କରିବା କଥା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ନର୍ମାଲ ପାଣି ପିଇବା ଉଚିତ। ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏସିରେ ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତେ ଏସି ଆଡିକ୍ଟେଡ୍, ଏସିରେ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ଆମେ ରହୁଛନ୍ତି, ଅଚାନକ ସେ ସପୋଜ ଆମେ ଅଫିସରୁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଖାଇବା ପାଇଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ବି କାରଣ ହେଉ ନା କାହିଁକି ଆମେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ହଠାତ୍ ଆମେ ଏସି ସହିତ ଆକ୍ୱେଣ୍ଟେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଏସି ହାୱା ଖାଉଛନ୍ତି ଦେନ୍ ସଡନ୍ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଦେନ୍ ଆମ ବଡି ସେଟାକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରେନି, ତ ସେ ସମୟରେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? ଯଦି କିଛି ବାହାରେ କାମ ଅଛି ଆମକୁ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ପ୍ରଥମ କଥା ମୁଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସଜେସନ୍ ଦେବି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏସି ଭିତରେ ରହୁଛୁ ସେତେବେଳେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ଥାଏ ଏସିର ଟେମ୍ପରେଚର୍କୁ ବହୁତ ଲୋ କରିକି ରଖନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଇ ଜିନିଷଟା କରିବା ଏକଦମ ଉଚିତ ନୁହଁ। ଏସିର ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଆମ ଦେହ ପାଇଁ 24°-26°C ରହିବା କଥା। ଯଦି ଦେହ ସେ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଭିତରେ ରହୁଛି ତାହେଲେ ଦେହ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଥଣ୍ଡାରୁ ଗରମକୁ ଯିବ ବଡ଼ିର ନିଜର ମେକାନିଜମ୍ରେ ସେ ତାକୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିନେବ, କିନ୍ତୁ ତା'ଠାରୁ ଯଦି ତଳ ତାପମାନକୁ ଆମେ ରହୁଛୁ ତାହେଲେ ହଠାତ୍ କରି ବାହାରକୁ ଗଲେ ଦେହର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅସୁବିଧା ହେବ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ହେଲା ଆମେ ଏସିର ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଯେଉଁ ବହୁତ ଲୋ ରଖୁଛୁ ସେ ଅଭ୍ୟାସଟା ଆମ ପାଇଁ ଭଲ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଏବେ ଖରା ଗରମରେ ହଠାତ୍ କରି ବାହାରକୁ ଯିବୁ ଏସିରୁ ବାହାରିକରି, ପ୍ରଥମ ହେଲା ଟିକେ ପାଣି ପିଇବେ, ହାଲକା ଲୁଗା ପିନ୍ଧିକରି ଯିବେ, ଅତ୍ୟଧିକ ହେଭି ଲୁଗା ପିନ୍ଧିକରି ଖରାରେ ବାହାରକୁ ଯିବେ ନାହିଁ, ଯଦି ପାରିବେ ମନେ ରଖି ଛତାଟେ ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ନେବେ, ଯଦି ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉଛନ୍ତି ତେବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଚାଲିକରି ବାହାରେ ଖରାରେ ଯିବେ ତାହେଲେ ଛତାଟି ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ନିଶ୍ଚୟ ନେବେ, ଆଉ ପାଣି ବୋତଲଟା ଏଇ ଖରା ଦିନରେ ସବୁବେଳେ ନିଜ ପାଖରେ ପାଣି ବୋତଲ ରଖିବା ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ। ଏତିକି କରିଲେ ଆମେ ଏସିରୁ ଯେତେବେଳେ ହଠାତ୍ କିନା ବାହାରକୁ ଯିବା ନିଜ ବଡ଼ିକୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବାରେ ହେଲ୍ପ କରିପାରିବା। ଓକେ, ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯେ କେତେ ପାଣି ପିଇବା ଦରକାର, କାହିଁକିନା ଖରାଦିନେ ବେଶୀ ସମସ୍ତେ ପାଣି ପିଇବା ଉଚିତ, ଆଉ ଆମ ବଡ଼ିକୁ କେତେ ପାଣି ଦରକାର ପର୍ ଡେ, ବିଶେଷ କରି ଖରାଦିନେ କେତେ ପାଣି ପିଇବା କଥା ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ? ଗୁଡ଼, ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣ ପଚାରିଲେ।
तेणु नॉर्मल रे गोटे देह को 1.5 लिटर रु 2 लिटर बा 2.5 लिटर पानी है सफिशिएंट आम समस्त भितर किसी जन अच्छा जो मर धरतु डायबिटीज हाई ब्लड प्रेशर ये सब रोगी अच्छा डॉक्टर परामर्श थी जे से अल्प पा पीबे डॉक्टर परामर्श हिसाब से ही कम करने कथा आमर आजिकल अभ्यास अच्छे आम भाव 4 लिटर 5 लिटर 6 लिटर पा पीले आम आम स्वास्थ्य भल रे भी किसी परिमाण में ठीक नुह आम देहपाई 2.5 लिटर 3 लिटर पानी सफिशिएंट किंतु हाँ आजिकल खरा दिन आम बाहर को जाऊँ से ही टाइम आपकी ध्यान रखिए थे आप खरु बाहर आसिले मैंने आप देह कि ना 500-600 ml पा झाड़ हिसाब से बही जाऊँ तेणु से पा मुझ निश्चय आउ थे फेरला पीबी घंटे 2 घंटा भितर तेणु खरा दिन आम 1.5 लिटर 2 लिटर पा अंटब ना 2.5 लिटर 3 लिटर मिनिमम पीवाई अभ्यास कराया पड़ो ता सहित तो खाली पानी पीले भी हेनी आमको तांगे धरतु गोल घोल दही है लेंबू चीनी रस है ओआरएस पा है इलेक्ट्रोलाइट्स लुण जातीय जिनस जो आम देह थाए झाड़े ताहर सी भी कमी जाए तेणु ए कमिले भी आमर अंशुघात होवार चान्स बढ़ी जाए तेणु पा सहित आमको ये सब पानी जातीय जिनस भी मन रखी टी पीवा पड़ो तो मैडम जमी आप एसी टेम्परेचर कथा कहते जे समस्त टेम्परेचर कम करदे जो आम बडी को जी दरकार मानते पूरा कम करदे मानते केते टेम्परेचर नॉर्मल जो रखिपार मैंने एत कूलिंग आम बडी जो संभाली पारे आम बडी तो केते टेम्परेचर रहा दरकार एसीर एसी टेम्परेचर बेस्ट रेंज है आम देहपाई 24 डिग्री रु 26 डिग्री भितर से भितर रखिले आम देह बाकी चेंज टेम्परेचर को भल संभाली नबो ताठारु कम रखा अभ्यासटा आम देहपाई जमा भी भल नुह ओके तो आउ गोटे कथा मैडम जो जो स्ट्रोक कथा आपण कहते हैं हिट स्ट्रोक कथा कहते सनस्ट्रोक कथा तो क्यों मानन को क्षेत्र में अधिका चांसेस रोचे कहीं आम जो मैंने ब्लड प्रेशर रोगी कथा कहते हैं नॉर्मल मुंड पेन हुए सब जिन प्रॉब्लम हुए तो जदि मैंने क्यों मानन को क्षेत्र में अधिका चांसेस रोचे बिल्कुल फर्स्ट सबुठ मेन है आमको मन रखा पड़ो बयस दीटी एक्सट्रीम छोटो पिला और वयस्क लोक वयस्क लोक मैंने अराउंड 70-75 टू जो मर एज बेसी छोटो पिला एज ग्रुप रिस्क अंशुघात सबुठ बेसी द्वितीय है जो मर डायबिटीज अच्छी जो मर किडनी प्रॉब्लम अच्छी किसी गुड़े न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम रे भी अंशुघात चांस बढ़ी जाए जो मर कौन प्रकार चर्म रोग अच्छी से मर खरा सहवा शक्ति देहर बहुत कम थाए तेणु यही मानक भी अंशुघात रिस्क सब अधिक तेणु एम को खरा दिने बाहर को जाऊँ तेणु बहुत बेसी सावधान रहा कथा आम देहर कैपासीटी दिन 11टा दीपर 3टा पर्यंतर जो खरा से खरा को सहिबार कैपासीटी आम देहर टिके कम थाए तेणु जदि जीवाक पड़ुची अत्यंत जरूरी रोची ताहले सानो पिला बा वयस्क लोक बा जो अन्य रोग कथा कहली मु से माने अत्यंत जरूरी थिले ही से टाइम रे घर बाहर तो नहले चेष्टा करी घर भीतर रहया को तांको पई सुविधा ओके तो मैडम आउ गोटे कथा जे आम जानते समस्ते जेकोसी स्ट्रोक हो ए सब आमपाई विपद आपण ब्रेन स्ट्रोक कथा कहतु हार्ट स्ट्रोक कथा कहतु एमती कि हिट स्ट्रोक आपत कहते कि अंशुघात कथा आम कहीपर तो स्ट्रोक से सांघातिक आम कहीपर जे जे पेसेंटर मृत्यु भी हो पाए बिल्कुल आपण एटा बहुत भल पॉइंट आउ थे उठेले देखो आम देश में तापमान एतटा बढ़िबा आरंभ हलाणी देश सारे आगुरु आम देश में अल्प किछटा मात्र राज्य थिला जो थे एत बेसी गरम होता किंतु एमती सब देश अच्छी जो तापमान बढ़िबाटा स्वाभाविक आउ सेठी अंशुघात जोगु प्रति वर्ष शह शह लोकंकर मृत्यु घटे अंशुघात जदि आम ठीक टाइम रे चिन्हिकरी प्रथम अध घंटा भितर अंशुघात पीड़ित रोगी देहर तापमान कमेया को चेष्टा न कलु ताले ए जिनसटी सीवियर को जीव से रोगी कोमा मध्य हो पारे आउ तांकर फिट्स जो आम कहू बात मिर्गी से टाइप भी जिनस अंशुघात जो हो पारे अच्छा। आगु मृत्यु हवा भी संभावना निश्चय रोची तेणु जिते बड़े आम मेडिकल लैंग्वेज रे स्ट्रोक वर्ड टाक यूज करू माने से ब्रेन स्ट्रोक हो बा हार्ट स्ट्रोक हो जमी आम हिट स्ट्रोक कहूँ स्ट्रोक वर्ड जिते आम यूज करूँ से शब्द माने यहाँ गोटे एमरजेन्सी तेणु स्ट्रोक जदि आम कहलु ताको आम बहुत सीरीयसली नबू आ तार ट्रीटमेंट भी तुरंत स्टार्ट करने चेष्टा करूँ।
ओके तो आउ गोटे कथा जितेबेले आपण कहिले कि माने जो फिड्स संभावना रहुची जदि पूर्वरु फिड्स थिबो ताहेले कोन सेमानक पई बेसी विपद कि बिल्कुल सेया मु कहिथली जो किछि गुडे न्यूरोलॉजिकल कंडीशन भी अछि जो मानकर रिस्क हाई थाय तेणु जो मानकर आग्रु ए रोगर लक्षण थिबो किबा ता पई औषध पत्र खाउथबे सेमानकु निहाते अंशुघातरु सबुबेले सावधान रहया दरकार। ओके तो मैडम जमी सपोज जनकर मानते हिट स्ट्रोक आसला सनस्ट्रोक आसला आहार अच्छा से जाऊँच अचानक से आसला से समय कि देखी पार ना बहुत समय धरी से अचेत अवस्था पड़ रोज विलंब कराए ट्रिटमेंट रे ताहले मानने शरीर उपर कौन प्रभाव पड़ पारे। बिल्कुल जदि ट्रिटमेंट रे बाय चांस विलंब हला ताले प्रथम तो धीरे धीरे आमर ब्रेन डल हवा स्टार्ट हो जाए बेहोश होजे मूर्छित हो जाए धीरे धीरे हुए तो से कोमा को पलैबे आगुरु आपन को ऑलरेडी कही सारी कि फिट्स हो पारे आउ गोटे बहुत बड़ प्रॉब्लम हो पारे ब्लड प्रेशर हेरिका बढ़ीज हार्ट बीटिंग बहुत बढ़ीज ता सहित बेले बेले किडनी उपर भी अंशुघात जो आघात पड़े जदि बहुत बेसी देहर पानी पलाए ताले किडनी उपर भी आघात पड़े अंशुघात जो आउ गोटे बहुत बड़ कॉम्प्लिकेशन आम मेडिकल टर्म रे कहू ताकु रैब्डोमायोलाइसिस जितले आम देह उपर बहुत बेसी तापमान रा चाप पड़े सेतले आमर मांसपेशी उपर तार प्रभाव पड़े ता जो ताधर प्रोटीन बहुत मात्रा रे बाहरी पड़े से प्रोटीन जाई आम आम मांसपेशी उपर तो आघात करे ही करे से प्रोटीन जाई आम किडनी उपर भी आघात करे तेणु अंशुघात जो जदि आम टाइम रे तार ट्रिटमेंट आरंभ न कर पारुचु ताले तार किडनी उपर भी प्रभाव पड़िवार बहुत हाई चांस अछि। तो मैडम किडनी उपर प्रभाव माने कोन माने किडनी रे किछ समस्या जेंति किडनी ट्यूमर कि किंबा नै किडनी ट्यूमर हबनी किडनी रो से किडनी फेलियर आडकु से किडनी को नै जिवो ता माने हटात किने परिसरा बाहरिबा बंद हे जिवो किडनी भलरे काम करिवो नै तापरे आमे अंशुघात ट्रीटमेंट करी अंशुघात को तो रिवर्स करैबु ता संगे हमको किडनी फेलियर भी ट्रीटमेंट करिया पड़िबो। अच्छा तो मैडम न हेबा पई अंशुघात बा हेड स्ट्रोक जदि आमे खरा को जाऊ छंती ता पूर्वरु आमे कोन सब सावधानता विशेष करी अवलंबन करबा। बिल्कुल सब बेले कुहाय छि सेति पई प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बिल्कुल तेनो अंशुघात केमदि हमको न हो आमे ता चेष्टा रे सब बेले रहिबा प्रथम मु आग्रु भी थरे आपनु कहि सालेनि कि दिन 11टा रु दिन 3टा भितर जो खरा सेटा अंशुघात करैबारे सबटु बेसी तार रोल थाए तेणु जो मानकर निहाति जरूरी नाही तेणु बाहर को सेई टाइम रे न बाहरंतु जदि आमको बाहर को जिबा को ही पडुचि ताहले बहुत ध्यान रखिया पडिबो जे मे हल्का लुगा पिंधिबा डार्क रंग लुगा भी आपण अवॉइड करिवे धळा बा हल्का रंग लुगा आ हल्का सूती कपडा रो लुगा पिंधिबे सबुबले निज सांगरे पानी बोतलटे निहाती नेबे निजकु खरारु टिके बंचेबा पई छताटिए जदि सांगरे नै पारिबे ताले नेबे जदि आपण बाहरे अछंती आउ आपणको अंशुघातर लक्षण देखा जाउची ताले सांगे सांगे निजकु गोटे छाई जागा बा थंडा जागा को नै जिबाकु चेष्टा करिवे आउ निज आखपाख जे भी अछंती तांकु टिके आगा करियाकु चेष्टा करिवे जे आपणको भलो लागु नै एति की मिनिमम प्रिकॉशन आपनको नपाक पड़िबो ता छडा किछ उडे खाद्य पदार्थ कुआ जाय आम देह पई भलो जेमती फल परिबा कंचा फल परिबा खरा दिने सबले खायक चेष्टा करिवे आमरो ओडिया घर खाद्य पखाळ तोराणी एगुडा सबबेले आम देह पई अंशुघातरु बंचेया पई आम पई भलो काई सेतरे लुण रहिबो पानी रहिबो जदि आपनको डाक्टर आपनको मना करि नाहंती ताले आपन से जिन सोडा टिके खायक चेष्टा करिवे माने फल जातीय खाद्य किबा ठंडा पानीय ए सब माने जे पेट को ठंडा रखिला भली खाद्य खाइबा उचित जे आलोचना करछंती अंशुघातरु केमति रक्षा पाइबे अर्थात जदि आपन खरा को बाउछंती सनस्ट्रोक बा हेड स्ट्रोक रु केमति आपन रक्षा पाइबे से सब कने आमे आलोचना करछंती आमे सहित मैडम अछंती शर्मिष्ठा मैडम सहित अछंती मैडम पुनथरे आसीबे आपन पाको को मैडम समय जेतु सरीसलानी शेष प्रश्न आपन को रहिबो संक्षेप उत्तर चाहिए जे सनस्ट्रोक बा हिट स्ट्रोक से सांघातिक नुहे तेणु भयभीत होबार चांसेस नहीं कहीपर निश्चय जदि आम विषय में सब बेले सचेतन रहा निजर जत्न नवा सफिशेंट पानी पीवा खरारे बहुत समय रही अंशुघात हवा आम देश चांस बहुत कम थाए तेणु या भयभीत हवा कथा नुहे सचेतन हो निजर जत्न नवा दरकार। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपण आसिले आम सहित आम आलोचन सामिल हेले आम दर्शकों को कम से कम जो अंशुघात को नहीं केमती से सतर्क रही जेहेतु आग को खरा बढ़ केमती से संभाली ने सबको नहीं आप आलोचना करते बहुत बहुत धन्यवाद मैडम।
तेबे दर्शबंधु माइग्रेन बा अधकपाळी अधिकांश लोकंक ठारे देखा जाय। माइग्रेन हेबा द्वारा मुंडरे व्यथा अनुभूत होइथाय आउ एही व्यथा अत्यंत कष्टदायक होइथाय। तेबे आज आमे प्रेस्क्रिप्शन रो आउ एक नुआ सेगमेंट रे डॉक्टर टिप्स रे जानिबा अधकपाळीर उपचार संबंधरे परामर्श देबे केयर हॉस्पिटल रो वरिष्ठ स्नायु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुभ्रांशु शेखर जेना। आज आम आसीचु आलोचना करिया पाई बहुत गुटे कॉमन न्यूरोलॉजिकल कंडीशन जोटा कि कह जाए माइग्रेन बा अर्धकपाळी। माइग्रेन जो रोग हुए अर्धकपाळी जो रोग हुए सेटा फीमेल मान क्षेत्र में अधिका परिमाण देखा जाए था एवं यंग एज फीमेल मान क्षेत्र में सेटा अधिका देखा जाए। आमर जदि स्टैटिस्टिक्स आम देखू ताहले मोर देन 15% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन आर सफरिंग फ्रॉम माइग्रेन। एवं जेमती कि आमे कहिले मु फीमेल मानको क्षेत्र रे अधिका देखा दिए तो एटारो लक्षण कौन रहुची आरो मुख्यतः तो लक्षण रहे गोटे पट पर्सन बा दुई पट पर्सन आपणकर मुंड बथा हुए सीभियर परिमाण रे मुंड बथा हुए एवं मुंड बथा सहित आपणकर ओई उठिबा बा बांति हवा मध्य देखा देथाय। ता सहित सेई समय रे आपणको लाइट को देखिबारे बा किछि आवाज शुणवे आपण को इरीटेसन बोध मैं मुंड बथा आगर बा मुंड बथा समय केतगुड़िक आखि को मध्य सिम्टम्स आसी थाए जमीक आपणकर आखि को जल जल देखा जीबा, आखि को ठीक भाव देखा नजा एवं केतोटी इलेक्ट्रिक करेन्ट भापर जमीक बिजुली भाया से भाया से देखा जाए सेगुड़ी आम कहू भिजुआल ओरा। तो तेणु मुख्यतः तो दुई प्रकार माइग्रेन रोग आम कही था जे माइग्रेन विथ ओरा एवं माइग्रेन विदाउट ओरा। तो यहाँ जो आमर मुंड बथा बहुत क्रोनिक मुंड बथा रहे जमीक दुई वर्ष पांच वर्ष दस वर्ष मुंड बथा होता है थे मुंड बथा स्टार्ट से दुई घंटार तीन दिन पर्यंत लग रही थाए। एवं जदि आप माइग्रेन हठात आपंकर स्टार्ट होपको कौन करवा दरकार तो से क्षेत्र में जोबले बथा स्टार्ट हो आपण को गोटे जमती कि अंधार घर बा जो लोक चल प्रचल बेसी हो नथिबे बा बेसी साउंड हो नथिबो से भली घर रे आपण विश्राम नवा दरकार अच्छी आपण को पानी अधिका खाइबा दरकार अच्छी ता सहित जदि आपण को बांती लागुची बा मुंड बथा बेसी होउची ताहले डाक्तरंकर परामर्श अनुसार आपण औषध जदि खाइबे ताहले आपणकर मुंड बथा मध्ये कमी जीवो एवं आपण जदि रेस्ट ठीक भाबरे नेबे एवं औषध ठीक खाइबे ताहले मुंड बथा आपणकर कम रहिबो। माइग्रेन न होबा पई आपण कोन प्रतिकार करि पारिबे तो माइग्रेन न होबा पई आमे सेउडी को कहू जे गुडी को माइग्रेन ट्रिगर आपणकर सबु प्रकार माइग्रेन रोगी मानकर ट्रिगर गुडी को डिफरेंट डिफरेंट रही थाए। तो माइग्रेन ट्रिगर गुडी को हेउची जेमते कि आपणकर पोल्यूशन कि सन एक्सपोजर कि आपण बेसी लाइट लाइट को जदि आपण जाउचंती एवं जदि किसी आपण किसी गंध आसूसी जमती कि धूपकाठी गंध हो बा अन्य किसी गंध हो सेगुड़ी को मध्य आपणकर माइग्रेन को ट्रिगर करि पारे बा आपणकर जदि निद को ठीक हो ना एवं जदि खाद्य आपण उपवास रहउचंती बा मिल को आपण स्किप करउचंती पानी ठीक भाव में पी ना आपणकर देह रे डिहाइड्रेशन अच्छी ताहले मध्य माइग्रेन रो ट्रिगर हो पारे एवं टेंशन एंजाइटी स्ट्रेस धूमपान एगुड़िकर मध्य माइग्रेन रो ट्रिगर हो पारे एवं केतेगुड़िक खाद्य जमती कि बेसी तेल जातीय जिनस बेसी आपणकर मसला जातीय जिनस कि दूध प्रोडक्ट जमती कि पनीर छेना बा दही चॉकलेट ब्लैक चॉकलेट बा बियर बा आपणकर रेड वाइन एगुड़िक मध्य आमर माइग्रेन ट्रिगर भाव में निया जाए थाए। तो एगुड़ी को आपणकर माइग्रेन जदि हेउची ए सब माइग्रेन ट्रिगर गुड़ी को एवॉइड करिया दरकार। सेकेंड जिनस है जदि आपणकर माइग्रेन लगे कि रोची ताहले डाक्तर को अनुसार आपण को कंटिन्यूअसली मेडिसिन खाइबार आवश्यकता अच्छी आपण को आपण खाद्य ठीक रखा दरकार अच्छी निद को मध्य ठीक रखा दरकार अच्छी जदि आपण टेंशन बा एंजाइटी ग्रुप रोचे आपण योग व्यायाम एगुड़िकर साहय नहीं पारे जदि आपण ठीक भाव में मेडिसिन खाइबे एवं डॉक्टर परामर्श रे ताहले माइग्रेन रो हेडेक बहुत भाव रे ट्रीटेबल कंडीशन एवं ताको ट्रीटमेंट कराई पारिबो। थैंक यू।
तेज दर्शक बंधु बर्तमान समय सरी प्रिस्क्रिप्शन को ये रखु पुणी देखा आगामी एपिसोड में आज जो अभिज्ञ डाक्तर से पर्यटन मत विदाय दिंतु नमस्कार।